राम 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 भैया, हूँ आशा संस्था से आयल छे। मार नाम राकेश यादव छे। तमार नाम कई छे? मारो नाम प्रकाश पटेल छे। ग्राम बामंदीपुर रहने वालो छे। जिला खरगोन और तहसील कसरावत। भैया तुम बताओ यहाँ पर कई कर रहा तुम? हाँ, बीज को उपचार करी रोज ट्राइकोटर्मा से। अभी मौसम चल रहा है काकड़ा लगाने को। काकड़ा नहीं, तैयारी चली रही हमारी। प्रकाश भाई तुम एक चीज में बताओगे, ये कपास का बीज को जो उपचार कर रहे तुम, तो ट्राइकोडर्मा से क्यों कर रहा? ट्राइकोडर्मा से हम बीज को उपचार एक कारण करा है कि आने वाला भविष्य में जो है जो भी जलने की बीमारी रह पौधा की वहाँ नहीं होती है, ओका बाद जो भी पौधो स्वस्थ रह, बीज को अंकुरण भी अच्छा रह। हाँ तो प्रकाश भाई एक बात में बताओगे, ये ट्राइकोडर्मा से तुम जो बीज को उपचार कर रहा है, एक हम कई कई सामग्री लगे? 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लें आप। एक तगारी लगे सामग्री में, बीज मिलावण के लिए एक प्लास्टिक की थैली, गुड़ को पानी। भैया गुड़ को पानी क्यों ले जाओ, आप सादा पानी नहीं ले सकता? गुड़ को पानी एक कारण मिलावा कि एक से जो है दवाई चिपकी जाए बीज का अच्छे तरीका से। 450 ग्राम काकड़ा तो हाथ मोजा। हाँ तो भैया एक बात मैं बताओ, जो आप ये ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचार कर रहा है, तो बीज उपचार करने में आपको कई कई सावधानी रखने पड़े? गुड़ को पानी तो ले आवश्यकता अनुसार, हाथ मोजा पहनना भी बहुत जरूरी रहे। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम में मिलाना चाहिए। उपचार करने के बाद में छाव में आधा घंटा सूखे लेना है। जिना रोज लगाना है उन्हें रोज एक उपचार भी करना। बच्चा न गए एक दूर रखना चाहिए, जहरीली चीज न रहने एक बच्चा न गए दूर रखना चाहिए। आप ये बीज को उपचार किना प्रकार बीज को उपचार हम करी रोज ट्राइकोडर्मा से, आप देख लीजिए। पहले तो ये प्लास्टिक की थैली बिछावनी है काम, एक काम 450 ग्राम काकड़ा डाल दिया। ये अब एक में हाथ दस्ताना अपन पैर लेवा, एक में ये गुड़ को पानी आवश्यकता अनुसार छीट दियो ताकि एक से ट्राइकोडर्मा अच्छे चिपकी जाएगा। हाँ अब एक में हूँ 15 से 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाली रोज। हाँ एक अब कैसे अच्छा तरीका से अपन मिले लेवागा ताकि दवाई जो है हर काकड़ा का लगी जाएगा, एक आम कोई तकलीफ नहीं आवेगा। हाँ ये बीज को उपचार अब हुई गो, अब एक तगारी में डाली जो है अपन छाव में आधो घंटो सुखाई लेवा, एक बाद बोने की काम चालू। हाँ अब एक हूँ तगारी में डाली रोज। यो काकड़ा का उपचार जो तुमने ट्राइकोडर्मा से करो, एक से कई कई फायदे मिले तुमको? ट्राइकोडर्मा बीज उपचार करने से बीज को अंकुरण अच्छा हो, सब एक साथ हो, एक से फसल जो है पूरा प्लाट हरो भरो रह और एक से वृद्धि भी अच्छी हो। बीज अंकुरण एक साथ होएगा तो ओका बाद पूरा प्लाट भी एक समान देखाएगा और प्लाट में जो है फ्लावरिंग भी अच्छी खासी आवे। ये सारी चीज़ ना का फायदा मिले जाएगा हम अपन को, बीमारी ना नहीं लगेगा तो फसल भी अच्छी रहेगा, अच्छी पैदावार रहेगा, उपज मिलेगा अपन को। एक कारण मैंने बीज को उपचार करो ट्राइकोडर्मा से। तुमने जो है ट्राइकोडर्मा से अपना बीज को उपचार करो, तो दूसरा किसान ने का कई संदेश देना चाहोगे तुम? यो बीज उपचार को संदेश हम जो है दूसरा किसान ने का भी बता रहा है, जैसे कि वो बच्चा न का टीको लगे जिना हिसाब से बीज को उपचार करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से, ऐसे फसल सबने की अच्छी रहेगा। हाँ बस हम किसान भाइनों से एक ही बात बताऊंगा, जब घर घर में होए ट्राइकोडर्मा तो काहे को डरनो, सब किसान भाइनों को मारो राम राम। हाँ तो प्रकाश भाई तुमने जो ट्राइकोडर्मा का से बीज उपचार का बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, एक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है।